अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेचुरली ग्लोइंग ब्राइट और फ्लॉलेस स्किन के लिए विटामिन सी का ये फेशियल तमाम चीज़ों से भर के है। जितने मर्जी आप ट्रीटमेंट करवा लें, जितनी मर्जी नाइट क्रीम्स यूज़ कर लें, ये चीज़ आपको सबसे भर के रिजल्ट्स देती है। इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं जितना कहूँ उतना कम। ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सेफ है। इसके अलावा आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन से रेडनेस को ख़त्म करता है। इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव रिजल्ट्स इसके शो करवाऊंगी, तो चलिए इस फेशियल को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट की जो हमें ज़रूरत है वो है ऑरेंजेस। बहुत ज़बरदस्त है आपकी स्किन के लिए। इसका जो जूस है, इसका जो पील है, आपकी स्किन के लिए अल्लाह ताला का दिया हुआ एक तोहफा है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं तैयार करने जा रही हूँ, सबसे पहले क्लिनजिंग का स्टेप तैयार करूँगी। उसमें हमें चाहिए एक अदद ऑरेंज, उसको हमने इस तरह से दरमियान से कट कर लेना है। ये देख सकते हैं कि कितना जूसी है, जूस से भरपूर है और विटामिन सी से भरपूर है। ये आपकी स्किन पे जब वर्क करेगा ना, तो आप कहेंगे वाओ, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आधे ऑरेंज पे आपने ऊपर डाल देना है चावलों का पाउडर। चावलों का आटा नहीं, चावलों का पाउडर यूज़ किया करें। अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप ये वीडियो मेरे चैनल पे वॉच कर सकते हैं। इसमें मैंने पूरा समझाया है कि किस तरीके से आप चावलों का पाउडर घर में बना सकते हैं। तो उसके ऊपर आपने रखनी है या ऐड करनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के तकरीबन आधा चम्मच आपने उसके ऊपर डाल देना है। और ये हमारा जो है क्लिनजिंग का स्टेप तैयार हो चुका है। इसके सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से इतने ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए इसके मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ अपनी स्किन पे, कि मेरी स्किन पे इसने किस तरीके से वर्क किया है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, तमाम स्टेप्स को अच्छे से देख लें, अपनी डायरी पे नोट कर लें, ताकि जब आप फेशियल करें तो आपको कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो यहाँ पर आप मेरी स्किन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाली हूँ फर्स्ट स्टेप क्लिनजिंग का। आपने इसी ऑरेंज जूस को पकड़ना है और अपनी स्किन पे इस तरह से क्लिनजिंग स्टार्ट कर देनी है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे आपकी स्किन पे, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। और इस चीज़ की भी गारंटी देती हूँ कि ये आपको 100% रिजल्ट्स देगा। ये फेशियल जब आप एक बार में करेंगे तो आपको इसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, कि आप पार्लर को बिल्कुल भूल जाएंगे। आप घर में ही ये फेशियल करेंगे और अपनी स्किन को बिल्कुल अपने मुताबिक कर लेंगे, जैसी स्किन आप चाहते हैं। आपने अच्छे तरीके से क्लिनजिंग करनी है अपने फेस के उन पार्ट्स पे जो ज़्यादा अफेक्टेड है हाइपर पिगमेंटेशन से, या फिर डार्क स्पॉट्स हैं, या फिर सन टैनिंग है। उन पार्ट्स को आपने ज़्यादा हिट करना है क्लिनजिंग में। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। सिर्फ अभी मैंने क्लिनजिंग का स्टेप किया है, तो आप मेरी स्किन देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन हो चुकी है। जितना भी ऑयल है वो सब का सब रिमूव हो चुका है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, जितनी भी डस्ट है या फिर डर्ट वगैरह आपके फेस पे, आपके पोर्स में मौजूद है, वो सब क्लीन हो चुकी है। आपके फेस के पोर्स में जो धूल मिट्टी जमी हुई होती है ना, खास तौर पे वो एक्नी का बाइस बनती है, आपके वाइट हेड्स का बाइस बनती है, ब्लैक हेड्स का बाइस बनती है। अगर आप इस तरह से स्किन केयर करते हैं ना, तो वो सब की सब रिमूव हो जाएगी और आपकी एक्नी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो सेकेंड स्टेप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है स्क्रबिंग का। आपको उसके लिए चाहिए एक ऑरेंज पील। आपने उसको छोटा छोटा सा काट लेना है, या फिर आपने उसको छोटा छोटा सा तोड़ लेना है हाथों की मदद से ही। और आपने अब इसको डाल देना है ब्लेंडर में। जितने भी आपकी स्किन पे डेड सेल्स है ना, उनको ये रिमूव कर देगा। आपकी स्किन के कोलेजन को बूस्ट करेगा। जो आपकी स्किन लटकी हुई होती है ना, वो बिल्कुल अपलिफ्ट हो जाएगी। आपको कोई बाहर से अपलिफ्ट ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये फेशियल घर में करें, आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। उस ब्लेंडर में आपने डालना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और एक चम्मच डाल देना है आपने बेसन का, और फिर थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड करनी है, और फिर रोज़ वाटर डाल के आपने इसको ब्लेंड करना है। और आपने इतना ब्लेंड नहीं करना है कि बिल्कुल ये पेस्ट बन जाए, आपने इसको दरदरा सा ब्लेंड करना है, क्योंकि आपने अपने फेस पे ऑरेंज पील की स्क्रबिंग करनी है। अभी यहाँ पे आपको मैं वीडियो में शो करवाऊँगी कि किस तरीके से आपने इसको ब्लेंड करना है। अब यहाँ पर इसको मैं निकाल चुकी हूँ, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये पेस्ट टाइप नहीं बना, ये दरदरा सा ब्लेंड हुआ है। और उसमें अब मैं डाल रही हूँ मोस्ट पावरफुल इन्ग्रीडियंट, चावलों
चावलों का पाउडर। जब आपने स्क्रबिंग करनी हो तो चावलों के पाउडर से बेस्ट और कोई चीज़ नहीं है। ये आपकी स्किन टोन पे काम करता है, आपकी स्किन को वाइटन अप और ब्राइटन अप करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप मैं अपने फेस पे आपको करके दिखाऊंगी, लाइव रिजल्ट्स इसके भी आपको शो करवाऊंगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। बार बार कह रही हूँ कि कोई डायरी पकड़ ले, उस पर नोट कर ले तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पे मैंने अपने फेस पे इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा ये रनी है, लेकिन जब आप स्क्रब करेंगे तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, आपकी स्किन में दाखिल होके आपकी स्किन के जितने भी मसाइल हैं उनको बिल्कुल हल कर देगी। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है उन एरियाज़ पे जो कि ज़्यादा आपके इफ़ेक्टिव हैं, जिन पे ज़्यादा टैनिंग है या फिर पिगमेंटेशन है, वहाँ पे आपने अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करनी है। अपने हाथों की मदद से बिल्कुल जेंटली आपने स्क्रबिंग करनी है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है। आपने आराम आराम से स्क्रब करना है अपनी फिंगर्स की हेल्प से। और एक बात यहाँ पे आप नोटिस कर लें, अगर आपकी स्किन पे एक्टिव एक्नी है तो आपने स्क्रबिंग नहीं करनी, सिर्फ इसको अप्लाई करें और 15 से 20 मिनट के बाद अपना जो फेस है वो पानी से वॉश कर लें। अगर आपके हाथों पे भी डिस्कलरेशन आ चुकी है तो आप ये स्टेप अपने हाथों पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फेस को वॉश कर रही हूँ और ये रहा जादू, कितने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। स्टेप नंबर 2 अभी हमने किया है, अभी हमारे 2 स्टेप्स बाकी हैं। तो आप ये सोचें कि जब वो भी कंप्लीट होंगे तो आपकी स्किन किस कदर ग्लो करेगी, किस कदर ब्राइट हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, किस कदर आपकी स्किन ग्लास स्किन टाइप हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्किन का टेक्सचर कितना इम्प्रूव हुआ है, और इसके अलावा मेरी स्किन बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी है, जैसे बच्चों की स्किन होती है ना, बिल्कुल वैसा टेक्सचर मेरी स्किन का हो चुका है। तो अब स्टेप नंबर 3 मसाजिंग स्टेप है, बहुत अहम स्टेप है, इसको आपने हरगिज़ मिस नहीं करना है। तो इस स्टेप के लिए हमें जो मेन चीज़ चाहिए वो है ऑरेंज जूस। आपने एक ऑरेंज ले लेना है और उसको इस तरह से स्क्वीज़ कर लेना है अच्छे तरीके से, प्योर ऑरेंज जूस आपने लेना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच शहद का। अगर आपकी स्किन पे सूट करता है ना तो आप इसको हर रेमेडी में यूज़ किया करें, बहुत अफेक्टिव इंग्रेडिएंट है ये आपकी स्किन के लिए। अब नंबर 3 पे जो इसमें चीज़ जा रही है वो है ऑलिव ऑयल। अगर ऑलिव ऑयल मौजूद नहीं है तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मसाजिंग का स्टेप है तो आपने ऑयल कोई भी यूज़ लाजमी करना है। और नंबर 4 पे जो इसमें चीज़ जा रही है वो है कॉर्नफ्लावर, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन की टोन को सेट करने के लिए, आपकी स्किन को फेयर करने के लिए। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ घर में जो हम रोटी बनाते हैं ना, वो वाला आटा आपने इसमें यूज़ करना है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने बिल्कुल चुटकी सी इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये स्टेप आपकी स्किन पे जो वर्क करेगा वो सब चीज़ों से बढ़ के है, कि अगर आपकी स्किन पे फाइन लाइन्स है, साइंस ऑफ एजिंग है, या फिर आपकी स्किन लटक चुकी है तो उसको ये सेट करेगा, फाइन लाइंस को रिमूव करेगा, साइंस ऑफ एजिंग को रिमूव करेगा। इसके अलावा अगर हल्के हल्के से आपके रिंकल्स आना स्टार्ट हो गए हैं तो उसको भी रिमूव करेगा, क्योंकि ये मसाजिंग स्टेप है, इसमें आपने अपने फेस की भरपूर मसाज करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पैक है मैंने अच्छे तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, और अब आपने स्टार्ट करनी है इसकी मसाज। तकरीबन आपने 7 से 8 मिनट तक मसाज करनी है, तभी आपको इसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको मसाजिंग स्टेप्स नहीं आते तो आप मेरे चैनल पे ये वीडियो वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सिंपल से मसाजिंग स्टेप्स सिखाए हैं। तो वो स्टेप्स आप अपनी स्किन पे करके आपकी स्किन में ग्लो पैदा कर सकते हैं, अपनी स्किन को टाइट कर सकते हैं, अपनी स्किन को यूथफुल रख सकते हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद और अपने फेस पे लाइव रिजल्ट्स दिखाने का मकसद ये होता है कि आप घर में रह के अपनी स्किन का खुद ट्रीटमेंट कर सकें, ना कि ये मकसद है कि हम लंबी लंबी वीडियोस बना के छोड़ दें और आपको कोई फ़ायदा भी ना हो। आपको स्टेप्स सिखाना कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, किस तरीके से आपने मसाज करना है, किस तरीके से ये सब स्टेप्स अप्लाई करने हैं, ये मेन मकसद होता है कि जो हम अपनी स्किन पे आपको लाइव रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे इस मसाजिंग स्टेप्स के भी आप लाइव रिजल्ट्स देख सकते हैं कि कितने मैजिकल आगे हैं। इसके रिजल्ट्स देख के मैं खुद हैरान हो चुकी थी कि कितने अमेजिंग इसने मुझे रिजल्ट्स दिए हैं इस स्टेप ने। अब नेक्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि लास्ट स्टेप है, ये है मास्क का। तो आप ये डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, उसमें आपने डालना है 1/2 चम्मच खुश्क दूध का पाउडर और 1/2 चम्मच ही आपने इसमें डालना है कॉफ़ी पाउडर।
थोड़ी सी इसमें हल्दी डालनी है और फिर आपने लेना है एक ऑरेंज और उसको आपने अच्छे तरीके से इस मास्क के अंदर स्क्वीज कर लेना है। जितना आपको यहाँ पे ऑरेंज जूस चाहिए हो उतना आप ऐड करें। इसकी कंसिस्टेंसी आप इतनी रखें कि आपके फेस पे ज़्यादा रनी ना हो। जितना आपको चाहिए होगा अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से उतना आप ऑरेंज जूस इसमें ऐड कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये जो फेस पैक है ना आपको ये ग्लास स्किन देगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं मेरी स्किन इस तरह की ग्लास स्किन हुई है। तो अब लास्ट पे इसको अप्लाई करने जा रही हूँ। इसके शॉकिंग रिजल्ट्स आपके साथ अभी शेयर करूंगी। आपने पूरे फेस पे इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। ये ज्यादातर हिट करेगा आपकी एक्नी को, एक्नी स्पॉट्स को, डार्क स्पॉट्स को, और इसके अलावा अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसको भी ये बिल्कुल सेट करेगा। जितना भी ऑयल है, एक्सेस ऑयल है, उसको रिमूव कर देगा। आप ये मास्क लगा के आपका दिल करेगा कि आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही थी जब ये मास्क लगाया था। इतना रिलैक्सिंग था ये मास्क। 10 से 15 मिनट बाद आपने इसको रिमूव कर लेना है और यहाँ पे आप मेरी स्किन चेक कर सकते हैं किस कदर ग्लो आ चुका है, किस कदर नीट एंड क्लीन हो चुकी है, किस कदर हेल्दी हो चुकी है इस फेशियल के बाद। नेक्स्ट डे मज़ीद अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस फेशियल के, तो आपने भी लाजमी घर में ट्राई करना है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। फिर आऊँगी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।